नमस्कार साथियों, आज की ये पत्रकार वार्ता हिमाचल में लोगों का जो मनाली के अंदर रोजगार बंद हो गया था, ठप पड़ गया था, वो लोग बर्बादी की कगार पे पहुंच गए थे, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी मनाली के लोगों के, मनाली के व्यापारियों की, उनके व्यवसायियों की, जिसमें छोटे से लेके बड़े व्यापारी तक शामिल थे, यानी टैक्सी वाला से लेके और होटल के व्यापारी सारे उसके अंदर आ रहे थे, उनका रोजगार बर्बाद हो चुका था, कर्ज के तले डूब रहे थे, उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए आम आदमी पार्टी ने दो स्तर पर लड़ाई लड़ी। लंबा संघर्ष किया जमीन पे और साथ ही साथ उनके लिए न्याय की भी लड़ाई लड़ी, न्यायपालिका में भी लड़ाई लड़ी। आम आदमी पार्टी को अपना लीगल पूरी तरीके से सहयोग देने वाली भक्ति पसरीजा जी और मोक्ष पसरीजा जी, जो हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं, वो आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए भी और मनाली के लोगों के लिए एक बड़ी जीत है कि आज वहाँ अपना व्यापार लोग शांति के साथ कर पाएंगे। मैं निवेदन करूँगा अधिवक्ता भक्ति पसरीजा जी से कि वो पूरी जानकारी इस मामले में दें। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, और मनाली के और वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के सभी लोग और इनफैक्ट मनाली के भी सभी परिवारों में से कोई ना कोई टूरिज़्म से ज़रूर जुड़ा है। टूरिज़्म ही वहाँ के लोगों का ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, यही कहेंगे बेसिकली। पिछले साल इनफैक्ट 2014 में ये कहानी स्टार्ट हुई, जब NGT ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें NGT ने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कंसर्न जाहिर किया और कहा कि वहाँ जो अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, उस सबको कंट्रोल किया जाए। सरकार को निर्देश दिए कि सब कुछ कंट्रोल करे और रेगुलेट करे। राज्य सरकार ने पता नहीं शायद उस चीज़ को सीरियसली लिया, नहीं लिया, क्या हुआ, तो वो कंट्रोल नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल पिछले साल NGT ने वहाँ पर हर प्रकार की गतिविधि बैन कर दी थी। गतिविधियाँ बैन करने से क्या हुआ, जो छोटे छोटे लोग थे, छोटे से लेकर बड़ा, सभी को अफेक्ट हुआ। छोटे लोगों में से लाइक जो छोटे से काम करते थे, लाइक वहाँ लेडीज़ थी जो स्नो ड्रेसेस रेंट पे देती थी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वहाँ की पहाड़ी ड्रेसेस रेंट पे देती थी, फोटोग्राफर्स थे, बाकी वेंडर्स थे, कोई चाय बेच रहा है, कोई चना बेच रहा है, बहुत सारे लोग थे जो रोहतांग पास पे काम कर रहे थे, वो आसपास के गांव में ही रहते हैं, उन सभी का रोज़गार बंद हो गया। अब इन लोगों का था, क्योंकि 5-6 महीने तक रोहतांग खुला होता है, दिस वॉज देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, नाउ दे वर कम्प्लीटली जॉबलेस सिंस लास्ट 1 ईयर। तो कानूनी तौर पे भी लड़ाई लड़ी गई और अभी फ़िलहाल NGT ने ऑर्डर पास किया है, कल ऑर्डर पास किया है, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको NGT ने दोबारा से स्टार्ट करने का आदेश दिया है। अब रेगुलेटेड तरीके से सब कुछ वहाँ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। NGT ने आदेश दिया है पैराग्लाइडिंग अब वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। जो लेडीज़ जाती थी हमारी वहाँ पर स्नो ड्रेसेस लेके, पहाड़ी ड्रेसेस लेके, वो वहाँ दोबारा से लोगों को रेंट पे दे सकेगी। और स्नो स्कूटर्स, ATVs, हॉर्सेस, हर किसी एक्टिविटी के अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि कौन सी एक्टिविटी कहाँ पे होगी। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे ATV है, वो सोलांग वैली पे, मढ़ी में, सगु फॉल पे, अलग अलग जगह दी हैं, वहाँ पे स्टार्ट होंगी। पैराग्लाइडिंग है सोलांग वैली पे और मढ़ी पे स्टार्ट होगी। अच्छा, फोटोग्राफी और स्नो ड्रेसेस वाला जो है और पहाड़ी ड्रेसेस वाला जो कार्य है, ये रोहतांग पे भी हो सकेगा। तो अब दोबारा से जो ये बैन लिफ्ट हुआ है और एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इससे वहाँ के लोगों को काफ़ी रेस्पाइट मिला है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ के सभी लोग बेरोज़गार हो गए थे, सारे के सारे परिवार। और इससे ये हो रहा था कि टूरिस्ट वहाँ पे कम आ रहे थे, टूरिस्ट नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि रोहतांग अगर कोई जाएगा, मनाली आएगा, तो रोहतांग ज़रूर जाएगा, क्योंकि अब जो सीज़न है आपका May to September स्नो बाकी कहीं तो होती नहीं है, रोहतांग पे ही होती है। और इस सीज़न में लोग रोहतांग पास पे ही आते हैं, वहाँ पे ही सब कुछ बंद है, वहाँ पे कोई नहीं जा पा रहा है, तो लोगों को भी इकोनॉमी बड़ी अफेक्ट हो रही थी।
और सब कुछ ही अफेक्ट हो रहा था। अब लोगों को इससे एक रिलीफ मिला है, एक उम्मीद जागी है कि चलिए दोबारा से सबका रोज़गार स्टार्ट होएगा। और इसमें आम आदमी पार्टी ने काफ़ी उन लोगों का साथ दिया है, शुरू से ही साथ दिया है। जब बैन लगा था तब से ही आम आदमी पार्टी के वहाँ पे ग्रुप्स है, वो लोग लगातार सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे कि जी कुछ करें आप, कोर्ट में जाकर लोगों का पक्ष सामने रखें कि लोग कैसे बेरोजगार बैठे हैं। मैं खुद गई थी लास्ट ईयर रोहतांग पास, आम आदमी पार्टी के ग्रुप के साथ ही गई थी, और मैंने पर्सनली विजिट किया वहाँ के विलेजेस को। तो देखा मैंने कि सारे के सारे जो हमारे लोग हैं, वर्कर्स हैं, किस तरीके से लोगों के साथ लगे हुए थे। सबने आके अपनी समस्या भी बताई कि जी अब विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है, पहले हम लोग 6-6 महीने का राशन भर के रख लेते थे, अब तो कुछ है ही नहीं, हम इतने टाइम से खाली बैठे हैं, क्या करें। तो उस टाइम भी हम उन लोगों को प्रॉमिस करके आए थे कि जी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट में फाइट करेंगे इस मैटर को, न्यायालय के समक्ष आपकी दिक्कतें रखेंगे। और बाकी उन लोगों ने भी अपनी तरफ से एक कमिटमेंट किया था कि अब दोबारा से जब ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी तो वो लोग भी पूरा सहयोग देंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जहाँ ठीक है लोगों की लाइवलीहुड है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कोई लिटरिंग ना हो, कोई प्लास्टिक्स का यूज़ ना हो, और बाकी कोई ऐसा काम ना हो जिससे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम आए। तो एवरीबडी विल कोऑपरेट एंड नाउ एवरीबडी इज हैप्पी कि एटलीस्ट समथिंग हैज बीन स्टार्टेड। ये जो एनजीटी का जो बैन था जिससे लगभग 25,000 परिवार ऐसे थे जिनका व्यापार बंद हुआ था, और 25,000 परिवार को अगर 4 की भी संख्या मान लें तो लगभग 1,00,000 लोग थे जो इस प्रतिबंध से प्रभावित थे, जिनका व्यापार ख़त्म हो गया था, जो लोग भुखमरी की कगार पे पहुंच रहे थे, और उनकी एक लंबी लड़ाई जमीन पे उस समय हर्ष कालरा जी ने, नेहा त्यागी और हिमाचल की जो पूरी टीम थी उन सारे साथियों ने लड़ी थी। और न्याय की लड़ाई अभी भक्ति जी ने आपको बताया कि उन्होंने लंबी एक लड़ाई लड़ी और आज ये सफलता मिली। तो ये दो तरह से खुशखबरी है, एक तो पर्यटकों के लिए जो मनाली जाते हैं, और दूसरा वहाँ के व्यापारियों के लिए जो वहाँ व्यापार कर रहे थे और जिनका व्यापार प्रभावित हो रहा था। तो ये एक जानकारी आपको देनी थी। यही सेम संकट दिल्ली में भी है, जब कोर्ट ने लीगल टैक्सी ड्राइवरों को अनुमति नहीं दिया दिल्ली में गाड़ी चलाने के लिए, 25,000 ड्राइवर प्रभावित थे, उनके घर प्रभावित हैं, आज भूखों से मर रहे हैं। उनका यह कहना है कि दिल्ली सरकार ने भी हमारे पक्ष को ठीक से रखा नहीं। देखिए मैं इसमें जवाब दूंगा, इस पूरे प्रकरण में जो समस्या है वो संवाद को लेकर है, कम्युनिकेशन को लेकर है। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पढ़ा है। दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं लगभग 30,000 के आसपास हैं, जिसमें आपकी सिटी परमिट की और ऑल इंडिया परमिट की DL1 और DL1T वाली गाड़ियां जो नंबर की होती हैं, पीले प्लेट वाली गाड़ियां, वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों को मेंशन ही नहीं किया। पूरे ऑर्डर में ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां एग्जेम्प्टेड, उसका जिक्र नहीं है। फॉरगेट अबाउट द वर्ड एग्जेम्प्टेड, मैं कह रहा हूँ कि उसमें उनका जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सिटी परमिट वाली गाड़ियों के लिए है। अब सिटी परमिट वाली दिल्ली सरकार की लाइसेंस शुदा जो गाड़ियां हैं वो एक भी गाड़ी डीजल की नहीं है। ये एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने सिटी परमिट वाली जो भी गाड़ियां दी हैं, ये एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भ्रम कैसे फैला होगा, मेरा मानना यह है कि शुरुआत में कुछ एक यूनियंस ने ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि वे गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं जिनका पिकअप लोकेशन तो दिल्ली है लेकिन ड्रॉप लोकेशन आउटसाइड ऑफ दिल्ली है। ऐसे चालान हुए हैं यह कहकर इस भ्रम को फैलाने का प्रयास किया गया है। और अगर ऐसा हुआ भी है, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ भी है तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं भी ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों को इंक्लूड नहीं करता। सिटी परमिट वाली गाड़ियों के लिए आदेश है लेकिन सिटी परमिट वाली दिल्ली सरकार की एक भी गाड़ी डीजल की नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में दिल्ली सरकार को कहीं से भी आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक मूर्खता कर रहे हैं या धूर्तता कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, इसमें संवाद सही होना चाहिए। आप लोग भी इस पूरे मामले को समझें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ें और सही चीज़ कम्युनिकेट करें। अरे जी, ये
नहीं, इसमें होटल का व्यापार था, जैसा इन्होंने बताया कि जो जब पर्यटक जाते थे बर्फबारी के समय में उनको जो ड्रेसेस देते थे वहाँ लोकल लोग, वो प्रभावित हुआ था। छोटे छोटे बहुत सारे रेडी के बहुत व्यापार प्रभावित हुए थे, सबको हटा दिया था। तो उनका एक लंबा आंदोलन चला जिसमें आम आदमी पार्टी ने वहाँ ज़मीनी स्तर पर संघर्ष भी किया था, धरना प्रदर्शन आंदोलन जुलूस रैलियाँ सब निकाली गई थी, और उसके बाद ये कोर्ट की लड़ाई चल रही थी। ओके, शुक्रिया। उत्तराखंड में जो आज फ्लोर टेस्ट हुआ, दरअसल लोकतंत्र की सही मिसाल ऐसे ही कायम होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एसआर बोमई के मामले में, बहुत पुराना फैसला है, जिसमें कहा गया है कि बहुमत का परीक्षण पटल पे ही होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आज का नहीं है, बहुत पुराना फैसला है। इसलिए जब भी कोई ऐसे संकट आते हैं संख्या को लेके, तो हर बार एसआर बोमई फैसले का उदाहरण दिया जाता है। और एसआर बोमई फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा या लोकसभा के पटल पर ही संख्या बल का फैसला होना चाहिए। उत्तराखंड मामले में क्या हुआ था आपको याद होगा, महामहिम राज्यपाल ने सरकार को तारीख निश्चित कर दी कि फला तारीख तक आपको अपना बहुमत साबित करना है उत्तराखंड की विधानसभा में। उसके एक दिन पहले मोदी जी की तानाशाह सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उसके बाद वहां हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हुआ, कांग्रेस के 9 विधायकों को तोड़ा गया, उनको गुड़गांव में लाके होटल में रखा गया। माने वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली पॉलिटिक्स, और एक जमाने में कांग्रेस जो पॉलिटिक्स करती थी, या सपा बसपा की जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में होती थी, या जो खरीद फरोख्त की राजनीति नरसिम्हा राव के समय में हुई थी, उसका एक उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश की न्यायपालिका को कि उन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखा, खास तौर से हाई कोर्ट उत्तराखंड ने जिस प्रकार के फैसले दिए इस पूरे प्रकरण में, वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक जोरदार तमाचा था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इनसे पूछा कि बहुमत के लिए आप तारीख क्यों नहीं तय करते, तो मजबूरी में इनको विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तारीख निश्चित करनी पड़ी। और आज विधानसभा में बहुमत साबित होने से ये साबित हो गया कि दरअसल मोदी सरकार की पूरी कवायद लोकतंत्र की हत्या थी। मोदी सरकार की पूरी कवायद एक चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार को गला घोंटकर और अपना खरीद फरोख्त का खेल करके सरकार बनाने की थी, जो विफल हुई है। और इसके लिए न्यायपालिका के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है। मैं कोई हरीश रावत को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस को कोई क्लीन चिट दे रहा हूँ। आप फिर बात को समझिए, अभी देश के अंदर जयललिता की भी सरकार है, नवीन पटनायक की भी सरकार है, नीतीश कुमार की भी सरकार है, ममता बनर्जी की भी सरकार आने वाली है, दिल्ली में केजरीवाल जी की भी सरकार है। कहीं भी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो उस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, अगर इसका विवाद पैदा होता है, तो उसका सबसे बढ़िया माध्यम है विधानसभा के पटल पर उसका फैसला होना चाहिए। मैं बिल्कुल इन्वर्टेड कामा में इतनी सी बात कह रहा हूं, मैं कोई हरीश रावत को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। हरीश रावत ने अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन उनका आया है, कोई खरीद फरोख्त की कोशिश उन्होंने की है, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक चुनी हुई सरकार को, एक बहुमत की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के बर्खास्त करना, ये लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसा अगर बीजेपी के साथ भी कभी कांग्रेस करेगी तो हम उनके भी साथ खड़े होंगे। मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार है, उस पर उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसकी सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई मोदी जी के पास है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।
उनको हटना पड़ेगा अपने पद से, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं कोई हरीश रावत को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रेत माफियागिरी हरीश रावत के टाइम में हो रही है, निशंक के टाइम में भी होती थी, उस समय भी आरोप लगते थे, ऐसे ही आरोप लगते थे, उसके बहुत सारे प्रमाण भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक सरकार चुनी हुई है, उसके नंबर का कोई विवाद आता है कि वो सरकार बहुमत में है कि अल्पमत में है, तो इसका फैसला नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैये से नहीं हो सकता, राष्ट्रपति शासन लगा के नहीं हो सकता, उसका फैसला विधानसभा के पटल पे हो सकता है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ।